हर पले अब मर मर कर सर पर सर से डर कर कलम से बक कर मैं ढंग से लड़कर कर देता हरकत ध्यान भंग कर नजारा समझ कर फरक परक हर जगह। हेलो मेरे भाई लोग, मेरे हिप हॉप लवर्स और जितने भी यंगस्टर के फैंस देख रहे हैं उन सभी भाई लोगों को बहुत सारा प्यार। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जरूर सुनना, बहुत ही बेहतरीन राइमिंग इसकी मैं गाने के अंदर। और आज हम रिएक्शन वीडियो करने वाले हैं यंगस्टनर के गाने का। और आफ्टर लॉन्ग टाइम यंगस्टनर्स का कुछ गाना आया है और खाना बदोश जो ईपी चल रही थी जोकी की, उनका चौथा गाना आ गया है। गाने का नाम है बंदिश और साथ में लेके आए हैं नए खिलाड़ी को। खिलाड़ी का नाम है श्रेय नाम है। और इस वक्त रात के 2:30 बज चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करूंगा। और ये जो ट्रैक है मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ऑडियो ट्रैक होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे गाने ऑडियो ट्रैक थे। और गाने को सुनेंगे, 5 मिनट का गाना है तो पूरा मज़ा आने वाला है गाने के अंदर। और यार पता नहीं मैं अच्छे से इन्जॉय कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि खुल के मैं रिएक्शन वीडियो करता हूँ और आसपास के लोग चक जाएंगे, बट फिर भी कंट्रोल करके गाने को सुनेंगे, इन्जॉय करेंगे और देखेंगे भाई क्या कुछ बात है इस गाने के अंदर। लेट इट गो। बीस साल फंसा 9 to 5 के जेल में, चक्की पीसी ये समझे बच्चों का खेल है। एमिंग हाई और ऊपर मेरे गोल्स भी, संगत करी कम लेकिन कम मेरे दोस्त नहीं। परेशान सबके सोचे जाता मैं किधर, सुबह 8 जाता रात 12 तक है। रिश्तों की डोर मैंने काटे सारे धागे, दगा जो करते मैंने तोड़े उनसे नाते। ये दासा मेरी पर मैं तो कोई यास नहीं साबित मिले तभी का ये दास्तान मेरी, लेकिन मैं यास नहीं, यास यासिर खान बोले तो। और साथ में यासिर खान का गाना आया था दास्तान, तो उसका यूज़ करते हुए राइमिंग स्कीम लगाई गई। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, जो ये जॉब की बात कर रहा है, 9 से 5 जॉब की बात कर रहा है, और उस जॉब को एज अ जेल कैदी दिखा रखा है कि मैं एक जेल में फंसा हूँ और मैं कैदी हूँ और वहाँ पे चक्की पीस रहा हूँ। और आपको मालूम ही है कि जब आप एक जेल में जॉब में फंस जाते हैं तो वो लोग भाई पूरा वसूलते हैं जितना आपको पैसा देते हैं, और एक कैदी की तरह काम करवाते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि मैं सुबह जाता हूँ और रात को आता हूँ, तो मेरे ख्याल से शायद रात को पार्ट टाइम करते हैं या एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं, या फिर जाते हैं अपने दोस्तों के साथ जैसे ही वहाँ से उनको ऑफ मिलता है, वहाँ पे फिर मस्ती मजाक और अपना माइंड रिफ्रेश करके वापस जाते हैं अपने घर पे। शायद मेरे हिसाब से ये चीज़ है इसके अंदर। सांप इतने मिले तभी काटी मैंने आस्तीन। ओके, 12 तक है, रिश्तों की डोर मैंने काटे सारे धागे, दगा जो करते मैंने तोड़े उनसे नाते। ये दासा मेरी पर मैं तो कोई यासी साबित मिले तभी काटी मैंने आसीन। अब टैग ड्रॉप करना खड़ा जैसे वाइट बीटर, जो ही बैड एस मैंने फका माइक कीटर। असल पसंद में पजल बसड़, ये देख के नजर ये लोगों की कसर नहीं छोड़ी थी, थोड़ी थी फसल थोड़ी थी असल, दरअसल बोले ये नगल निकल निकल से शायद मेरा जैसे फैज खाओ, ये गजल सनसनी लफ्ज बारूद, ये लोगों की लूट काले कर दूध। सीढ़ी नहीं कामयाबी के पहाड़ चढ़ने, बसता है पीछे और उन मुखलस मेरे चार जने। हैंडीकैप्ड हालात दे कैप मी फार अवे, कुछ खुशी जारों में तोर नाकाम पड़े। मंजिल साफ लेकिन रास्ता कैसा धुआं धुआं, आंखें नम मासूमों से भरा कुआं हुआ। अब सुर्दगी खोया होश दो आँखा से, अब बंद कलम बंद आके खिड़की से यूं माजी जाके। दिल में खौफ खुदा और हौसले बुलंद, I'm focused on my aim, मेरा बस एक ही अज़म। दुनिया एक फितूर मिलते रहते बस जख्म, कामयाबी सोच के बढ़ाता रहे कदम। कोई किसी का ना यहाँ कठिन रास्ता जरा, बस मेरे साथ है रब मेरा, बुझे ना जलती ये शमा। कलाकार बजा है, आ गया आ गया आ गया, तला अंजुम आ गया। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा श्रेय की, यार मैं नाम गलत बोल रहा था मुझे नहीं मालूम, बट जो भी है मैं श्रेय नाम दे दिया इसको। श्रेय की बात करूं, ये कहना कि अपना एक स्ट्रगल बताया उन्होंने कि मैं कैसे परेशान रहता हूं, कैसे स्ट्रगल करता हूं। और एक कहना कि उसके बाद इन्होंने मोटिवेशन वाली भी बात की है कि रास्ता सामने है, धुआं धुआं है, और उसके बाद जब हम उस रास्ते के पास जाते हैं तो उसको लोग कठिन बना देते हैं, आपकी टांग खींचते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता है, आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। तो वही सारी की सारी बातें और अपने हालात बताए और जो हालात से सीखा है वो चीज़ बताई, और साथ में हल्का बहुत मोटिवेशन वाला चीज़ रखा है। और एक चीज़ और नोटिस करना भाई, 1.5 मिनट का गाना गाया है अभी तक बंदे ने, और इसके अंदर 4 फ्लो मेरे ख्याल से यूज़ किए हैं। पहला हल्का ऑटो ट्यून था, उसके बाद
दूसरा थोड़ा फास्ट हुआ, उसके बाद तीसरा थोड़ा और फास्ट हुआ जिसके अंदर वो राइमिंग स्कीम थी, और राइमिंग स्कीम मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। और चौथा जो था वो सुर और लय वाला था, चार फ्लो बंदे ने दिखा दिया यार। और अब आए हैं तलहा अंजुम, कलाकार पद जात नहीं होता, कला की कोई जात, यस कला की कोई भी जात नहीं होती है, कोई भी धर्म नहीं होता है, इसीलिए ऐसे उल्टे सीधे ट्वीट वगैरह नहीं करने चाहिए क्योंकि नफरत फैल जाती है यार। अगर आप कुछ भी करते तो उस चीज़ का फिर स्टेटमेंट दो आगे कि मैं इस चीज़ के लिए मैंने ऐसा बोला था, क्योंकि आज के टाइम में लोग यही सब ढूंढते रहते हैं कि भाई कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इसलिए यार कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है। खिलाफ मैं अब इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो लोग गलत तरीके से उसको दिखा के हाइप कैश करते हैं, बट गाने को एंटरटेन करेंगे, गाने को सुनेंगे। और अभी तक गाना जो है बहुत बेहतरीन जा रहा है, श्रेय ने भाई अपना पार्ट बहुत बेहतरीन लगाया। और अब है अंजुम, अंजुम झोंके का शायद इसके अंदर कुछ काम नहीं, झोंके का खाली म्यूजिक दिया है। अब आएगा अंजुम, उसके बाद आएगा यू नो क्यू, आएगा फ्लो, यस बुझे ना जलती है शमा। कलाकार बदजात नहीं होता, कला की कोई जात नहीं, दिमाग के बड़े हुए मेरे यार तो फिर कैसे आएगी याद नहीं, काम बोले बात नहीं, वो मत था ही क्या जो वो शार्ट नहीं, जो बातें मैं लिखता हूँ अपने एक वर्ष में तुझ जैसे दिख सकते आठ नहीं, दफनाऊं इन सारों को और करूँ इनकी कब्रों पे गार्ड नहीं, वक्त ने किया गाड़ू इनकी कवर, उस कवर पे मैं गार्डलिंग करूँ, गार्डनिंग यार ये तो कुछ ज्यादा ही थोड़ा लग रहा है, खींचने वाला है किसी की। और यहाँ पे अंजुम भी वही चीज बता रहे हैं कि यार बिन माँ के बड़े और क्यों ना उसको याद करें यार। स्टार्टिंग की लाइन बहुत ही, वो मुझे बहुत अच्छी लगी यार, कला की कोई जात नहीं होती यार, इसलिए किसी को इस चीज में तोलना नहीं चाहिए यार। हम बोले बात नहीं, वो मत था ही क्या जो वो शार्ट नहीं, जो बातें मैं लिखता हूँ अपने एक वर्ष में तुझ जैसे दिख सकते आठ नहीं, दफनाऊं इन सारों को और करूं इनकी कब्रों पे गार्ड नहीं, वक्त ने किया है लौंडे को सख्त तो आएंगे कैसे ये हार्ड नहीं, मेरे वरियां दिमारती सोई नहीं, नींद गोलियों का असर उसे होई नहीं, लगते जिगर की फिक्र में वो रोएगी, लगते जिगर की कब्र पे मैं खड़ा, लगते जिगर की फिक्र में वो रोएगी रोएगी, उसकी माँ के दिल में कुछ कुछ हो ही नहीं, जैसे कोई भी बाजी की लाइन थी वैर यदि माँ होते सोए नहीं, और वैर है कि माँ क्यों नहीं सोएगी, क्योंकि भाई जब अंजुम लेगा तो उसके दिल में धक धक होगा और उसी की कब्र पे खड़ा है, वो भी बोल रहा है यार। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, नींद की गोली का कुछ असर नहीं होने वाला क्योंकि लेगा जब अंजुम, वक्त ने किया है लौंडे को सख्त तो आएंगे कैसे ये हार्ड नहीं, मेरे वरियां दिमारती सोई नहीं, नींद की गोलियों का असर उसे होए नहीं, लगते जिगर की फिक्र में वो रोएगी, लगते जिगर की कब्र पे मैं खड़ा, हद्दे नजर तक दिखे सिर्फ मुर्दे, ऐसा लगे जैसे सिर्फ मैं ही नहीं मरा, ऐसा लगे ओ वाओ मतलब तो जितनी दूर तक देखूं सब लगे मुझे मुर्दे, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही नहीं मरा यार। ये क्या राइमिंग स्कीम है, मतलब भाई बहुत ही डीप वाली बात हो रही है, भुट्टो भुट्टो क्या आ गया यार ये, ऐसे लगे जैसे मैं हूँ भुट्टो, क्यों भाई, लगते जिगर की कब्र पे मैं खड़ा, हद्दे नजर तक दिखे सिर्फ मुर्दे, ऐसा लगे जैसे सिर्फ मैं ही नहीं मरा, ऐसा लगे जैसे कि मैं भुट्टो ब्रो, सही समझे हाँ मैं भुट्टू ब्रो, मरना है सबने हम भुट्टू को, गुड बुक्स में ना रखूं किसी चुट्टू को, सुध बुद्ध को बैठाऊंगा खुद को ब्रो, उर्दू रैप ना गो हैंड इन हैंड, उर्दू रैप बोल तो मैं फुटू, उर्दू रैप नहीं तो मैं हुडू, मेरा वो टैंक फ्लो बेटा टू टाइम्स लो, तेरी चूंच है बहुत नहीं टू डैम स्लो, एक तरफ तुम एक तरफ वॉइस, अब पब्लिक तो होगी ना बायस, और इसी बायस तेरी छोड़ दी फक्स, जब हिट किया बायस मैंने हिट किया बायस, ये जा रहा है, ये रिप्लाई दे रहा है पब्लिक को, ये रिप्लाई दे रहा है उन रैपर्स को जो ये डिवाइड एंड रूल वाला सीन कर रहे हैं। वाह यार गजब। और ये मैं नेबर तो मैं हुड, और फुट फुटबॉल तो फुट हूँ तो मैं हूँ बॉल, मतलब कि ये बोलना चाह रहे कि रैप गेम में मेरा काम है, मरना है सबने I'm good to go, good books में ना रखूं किसी चुत्तू को, सुध बुद्ध को बैठाऊंगा खुद को ब्रो, उर्दू रैप है ना गो हैंड इन हैंड, उर्दू रैप बॉल तो मैं फुट हूं, उर्दू रैप नेवर तो मैं हुड हूं, मेरा वो टैंक फ्लो बेटा टू टाइम्स लो, तेरी चूंच है बहुत नहीं टू डैम स्लो, एक तरफ तुम एक तरफ वॉइस, अब पब्लिक तो होगी ना बायस, और इसी बायस तेरी छोड़ दी फक्स, जब हिट किया बायस मैनी चर्च बट आई वॉक इन एंड आई मेक ऑल राइज, ऑलराइट ऑलराइट आई बी डाउन आई बी डाउट आई बी नॉइज आई बी लाउड, ऑलराइट ऑलराइट आई एम रनिंग द गेम एंड यू आर रनिंग योर माउथ, ऑलराइट ऑलराइट दिल में खौफे खुदा और हौसले बुलंद, आई एम फोकस्ड ऑन माय मेरा बस एक ही अज़म, दुनिया एक फितूर मिलते रहते बस जख्म, कामयाबी सोच के बढ़ाता रह कदम, कोई किसी का ना यहाँ कठिन रास्ता जरा, बस मेरे साथ है रब मेरा, बुझे ना जलती है शमा, मेरा एग्जाम था अल्लाह के लिए तो आ गया।
मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये इसके लिए थोड़ा सांस लेना पड़ता है क्योंकि ये बहुत फास्ट भागता है यार। और अंजुम ने एक लाइन बहुत ही बेहतरीन बोली कि मैं अपने बिजनेस को रन कर रहा हूँ, मैं हिप हॉप को रन कर रहा हूँ, मैं हिप हॉप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनके मुंह खाली चल रहे हैं, मेरा काम चल रहा है, इनके खाली मुंह चल रहे हैं। किसके मुंह चल रहे हैं आपको मालूम है, मुझे पता है। मेरे एग्जाम था हाथों में कलम, अब आया है तलहा यूनिस। और यार यूनिस मुझे बहुत बेहतरीन लगता है। मेरा एग्जाम था तो मैं कलम नहीं चल रहा दिमाग, ये जो खबर मिली मुझे बेखबर सारे, फिर भी नहीं रुका था हाथ, ये पहुंचे आंसू मैंने अपने बाप के लिए, कोई किताब नहीं फिर भी जवाब दे हाजिर, जवाब में दर्द सफास में लिख रहे हाथ से, पैरों में कांच थे, कट थ्रोट गले काटे मेरे बोल भाई मेरे आगे। यार ये अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा है मेरे हिसाब से, जो उनके मदर के साथ हुआ या फिर जो उन्होंने फिर अपने फादर को संभाला उस वक्त एग्जाम में थे, लेकिन फिर भी मैं डट के खड़ा रहा, लेकिन फिर भी मैंने जवाब दिए। क्या बोलूँ यार, इन सब चीजों को तो खाली सुना जाता है यार। मैं दर्द सफास में लिख रहे हाथ से, पैरों में कांच थे, कट थ्रोट गले काटे मेरे बोल भाई मेरे आगे बोल, नहीं उर्दू रैप पे होल्ड जाने घुमा मैं लाहौर भी, मेरे जैसे और नहीं लोग करे कॉल मुझे अलग, मेरी डोर भाई डिले करो नोट्स का लगा का जोड़ नहीं, सर पे जिम्मेदारी आज किसी वर्ष में झोल नहीं, लाखों चाहने वाले मेरे बेची मैंने सोल नहीं, मुंह बोली कीमतें देंगे हम लोन नहीं, नहीं होता कॉपी है सो की मोनोपोली, बंदा मैं 100% असली समाजी नहीं, पहनी न्यू जर्सी पर मैं तो कदाफी नहीं, बीट पे बर्बादी है बोल चुका आदि, मैं नहीं रुकने वाला बचपन से ही भागी मैं लड़के कराची के, हर वक्त जज्बाती हम पापी पुराने, तू गोली मार छाती पे पीट पीछे भरवा दे लौंडे तकाशी से, बात पेन छोड़ मेरी बात मान, किस छोड़े तू क्या करा टिस मुझे बाप मान, हाइट दूंगा खर्ची में नाम देगा लाख बार, ये नहीं बागबान मेरी आंख लाल लगी आग बार आके छाक मान, हम है वो जड़ जिसकी तुम्हें है शाख मान, टैलेंट अपना रास्ता खुद बनाता पूरे खाब मान, लफ्जों का दरिया ये डूबे सहारे पे, मुझको बुला रहे थे पट्टी पढ़ा रहे थे, मेरे तजुर्बे ने रोका हम जा रहे थे, पहले चबा रहे हम समझे बेचारे, लोग हमसे कमा रहे थे हम भी कमाने दे, खुदा है गवाह तू पढ़ा तू जाने दे जाने दे जाने दे। ये मेरे को लग रहा है एक ही सांस में खत्म कर दिया तला यूनिस ने यार इसका। तो भाई गाना मेरे को कभी कभी लगता है कि प्ले बैक करके सुनूं थोड़ी कम स्पीड में, क्योंकि यार बहुत फास्ट भागा यार। लेकिन जो भी है ये भी किसी ने किसी को लपेट रहा है और कह रहा है कि, और एक चीज़ इसने बोली कि वो हमें बुला रहे थे लेकिन हमने सोचा कि चलो चले जाते हैं, वो कमा लेंगे कमाने दो, लेकिन मेरे टैलेंट मेरे जो एक्सपीरियंस है मेरी जो तजुर्बा है उसने जवाब दिया कि नहीं ये सब नहीं करना चाहिए। कहाँ बुला रहे थे, कोलैबोरेशन के लिए बुला रहे थे या बुला रहे थे तो समझ नहीं आया यार। बट ये भी है किसी को यहाँ पे बोला जा रहा है यार। ओह यार यूनिस का फ्लो पकड़ना बहुत मुश्किल है यार, 100 बार सुनना पड़ेगा जब जाके समझ में आया, क्योंकि एक ही साथ में लपेट देता पूरा का पूरा। मेरा बस एक ही अज़म, दुनिया एक फितूर, मिलते रहते बस जख्म, कामयाबी सोच के बढ़ाता रहे कदम, कोई किसी का ना यहाँ कठिन रास्ता जरा, था तो मैं कलम नहीं चल रहा दिमाग, ये जो खबर मिली मुझे बेखबर सारे, फिर भी नहीं रुका था हाथ, ये पहुंचे आंसू मैंने अपने बाप के लिए, कोई किताब नहीं फिर भी जवाब दे हाजिर, जवाब में दर्द सफास में लिख रहे हाथ से, पैरों में कांच थे, कट थ्रोट गले काटे मेरे बोल भाई मेरे आगे बोल, नहीं उर्दू रैप पे होल्ड जाने घुमा मैं लाहौर भी, मेरे जैसे और नहीं लोग करे कॉल मुझे अलग, मेरी डोर भाई डिले करो नोट्स का लगा का जोड़ नहीं, सर पे जिम्मेदारी आज भी किसी वर्ष में झोल नहीं, लाखों चाहने वाले मेरे बेची मैंने सोल नहीं, मुंह बोली कीमतें देंगे हम लोन नहीं, नहीं होता कॉपी है सो की मोनोपोली, बंदा मैं 100% असली समाजी नहीं, पहनी न्यू जर्सी पर मैं तो कदाफी नहीं, बीट पे बर्बादी है बोल चुका आदि, मैं नहीं रुकने वाला बचपन से ही भागी मैं लड़के कराची के, हर वक्त जज्बाती हम पापी पुराने, तू गोली मार छाती पे पीट पीछे भरवा दे लौंडे तकाशी से, हाथ बांध पेन छोड़ मेरी बात मान, किस छोड़े तू क्या करा टिस मुझे बाप मान, हाइट दूंगा खर्ची में नाम देगा लाख बार, ये नहीं बागबान मेरी आंख लाल लगी आग बार आके छाक मान, हम है वो जड़ जिसकी तुम्हें है शाख मान, टैलेंट अपना रास्ता खुद बनाता पूरा, हम है वो जड़ जिसकी तुम्हें शाखा। क्या लाइन बोल दी बंदे ने, ये उस किसको बोलता है आपको भी मालूम है, लेकिन यार कैसे बोलता है यार, ये मेरे को लग रहा है रिकॉर्ड करके फिर इसको फास्ट फास्ट में कन्वर्ट कर देता है यार, क्योंकि भाई एक सांस में यार बंदा कैसे इतने सारे वर्ड्स बोल देता है यार। पान मेरी आंख लाल लगी आग बार आके छाक मान, हम है वो जड़ जिसकी तुम्हें है शाख मान, टैलेंट अपना रास्ता खुद बनाता पूरे खाब मान, लफ्जों का दरिया ये डूबे सहारे पे, मुझको बुला रहे थे पट्टी पढ़ा रहे थे, मेरे तजुर्बे ने रोका हम जा रहे थे, पहले चबा रहे हम समझे बेचारे, लोग हमसे कमा रहे थे हम भी कमाने दे, खुदा है गवाह तू पढ़ा तू जाने दे जाने दे जाने दे। दिल में खौफ खुदा और हौसले बुलंद, I'm focused on my aim, मेरा बस एक ही अज़म, दुनिया एक फितूर, मिलते रहते बस जख्म, कामयाबी सोच के बढ़ाता रहे कदम, कोई किसी का ना यहाँ।
ना जलती है शमा। ओके सो गाना खत्म। और जब बीच बीच में इसका ये हुक लाइन सा चलाया ना वो मुझे बहुत बेहतरीन लगा। और यहाँ पे यूनिस ने भी वही कहा कि अपने टैलेंट पे दम रखो यार, अगर तुम्हारे पास टैलेंट होगा तो तुम निकल जाओगे आगे, डिस बीच के चक्कर में मत पड़ो। गाना बहुत ही आला था, बहुत ही बेहतरीन था। और मेरे ख्याल से लग रहा है मैंने कुछ मिस कर दिया तला यूनिस के फ्लो में, क्योंकि मैं पकड़ नहीं पाया यार। बट क्या करें, दोबारा सुनेंगे फिर बताएंगे। लेकिन जितना एक बार में समझ आया उतना मैंने आप लोगों को बताया। बाकी सभी भाई लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत बड़ी वीडियो भी बन गई है तो आगे कर करके देख लेना। और बाकी जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है पैराडॉक्स का, जरूर जाके सुनना, बहुत आला आर्टिस्ट है। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।